बीजेपी की नई लिस्ट में कई सारे जाने माने नाम हैं और बाबुल सुप्रियो स्वप्निल दास गुप्ता चुनाव लड़ेंगे, यानी कि अपने सांसदों अपने केंद्रीय मंत्री पर भरोसा कर रही है बीजेपी। सांसद लॉकेट चटर्जी को भी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उतार दिया है। यह रणनीति है बीजेपी की, बीजेपी नहीं चाहती कोई भी कोर कसर छोड़ना और इसीलिए बीजेपी ने अपने दिग्गजों को टीएमसी से आए राजीव बैनर्जी जो कि बड़े नेता हैं पद्मावत नेता हैं उन्हें भी टिकट दे दिया गया है। सिंगूर से रविन्द्रनाथ भट्टाचार्य जी को भी टिकट दिया गया है, यानी कि अपनी दूसरी लिस्ट में टॉलीगंज से बाबुल सुप्रियो को बीजेपी ने उतार दिया। लॉकेट चटर्जी जो कि सांसद हैं वो चुनचुरा से चुनाव मैदान में हैं और पायल सरकार, तो कहने का मतलब साफ तौर पर यहां पर यह है कि बीजेपी ने अब विधानसभा चुनाव में अपने उन सांसदों और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को भी उतार दिया है। वो अपने उन चेहरों पर भरोसा कर रही है जो ऑलरेडी चुनाव जीत चुके हैं, अब वो अपने उन चेहरों को इन विधानसभा चुनाव में उतार रही है जिन्होंने अपनी उपयोगिता बीजेपी के लिए सिद्ध की है। लेकिन यहां टीएमसी यह आरोप भी लगा रही है कि बीजेपी के पास स्थानीय कैंडिडेट नहीं है, बीजेपी के पास उम्मीदवारों की कमी है।